जब आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो आपको क्या करना चाहिए, एक रियल पुरुष डिसरिस्पेक्ट से कैसे डील करता है। अगर आप डिसरिस्पेक्ट से डील करना नहीं सीखोगे तो आप हमेशा ही अंडर वैल्यूड रहोगे, कोई भी आपके ऊपर आसानी से चढ़ जाएगा। हाल ही में मेरे पहचान का एक लड़का जिसका उम्र करीब 18 साल होगा, वो मुझे बोल रहा था कि उसके दोस्त जो है जिगरी दोस्त, वो हमेशा उसका मजाक उड़ाता है लड़कियों के सामने, जिससे उसका लड़कियों के सामने कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और बहुत बार लड़कियां उसको उसके बाकी दोस्तों से हल्के में लेती है और वो इससे बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। पर क्योंकि उसके दोस्त बचपन से उसके साथ है, इसलिए वो उनको ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पाता और कुछ कहने से भी वो उसको हल्के में लेते हैं। तो मैंने उसको जो कहा, आज आपको भी वही सलाह दूंगा कि अगर कोई आपका डिसरिस्पेक्ट करे तो वहाँ क्या करना चाहिए। मैंने उसको बोला, अगली बार अगर सेम हो कि तुम सब कहीं लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और उन्होंने फिर तुम्हारा सबके सामने मजाक बनाया, तो उसके अगले दिन उन्हें पर्सनली बात करने के लिए मीट करो और वहाँ कोई थर्ड पर्सन ना हो, और हो सके तो उस एक फ्रेंड को बुलाओ जो तुम्हें ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है, और तुम्हें अपने अंदर हिम्मत इकट्ठा करके उनके आँखों में आग डाल के ये बोलना है, पिछले दिन जब हम एक साथ थे तब तुमने मुझको जो वो बात बोला था, यहाँ आपको कोई एक बात स्पेसिफिकली मेंशन करना है जिसके लिए आप रियली हर्ट हुए थे, वो बात तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। देखो, हम जिगरी दोस्त हैं और मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर दोस्त तुम जो मुझे हमेशा डिसरिस्पेक्ट करते रहते हो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम अगली बार से ऐसा नहीं करने वाले हो अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट करते हो तो। और आपको ये बात करेज, साहस के साथ बोलना है, उनके आंखों से आंखें ना हटा के। चांसेस बहुत है अगर आप अपने लिए स्टैंड ले पाते हो, ऐसे ही वो दूसरी बार आपसे सेम नहीं पेश आएंगे। पर अगर वो फिर से सेम करते हैं तो आपको उन्हें आपका अटेंशन नहीं देना है और ऐसे रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना है, क्योंकि जहाँ पे आपके जज्बातों की कदर नहीं है वहाँ होने से अकेला रहना ज़्यादा बेटर है। और यदि वो रियली आपकी फिक्र करते हैं, वो आपके पास लौट के वापस आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे। डिसरिस्पेक्ट होने के बाद आपको दूसरे पर्सन से बहस या लड़ाई नहीं करना है, आपको बस खुद के लिए स्टैंड लेना है और उन्हें साफ साफ कहना है, दिस शुड नॉट बी द वे यू बिहेव विद मी। और अगर वो नहीं मानते या अपने किए का पछतावा उनको नहीं होता है, यू शुड मूव ऑन फ्रॉम देम। दिस इज हाउ ए रियल मैन एक्ट्स, दिस इज हाउ एन अल्फा मैन एक्ट्स। एक अल्फा मैन के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट प्यार से ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आप लाइफ में जितनी जल्दी रियलाइज कर पाओगे उतना कम आपको लोग हर्ट कर पाएंगे।